भारतीय सियासत में अहम मोड़, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई। भारतीय पार्लियामेंट में 3 रोज तक जारी रहने वाली गर्मा गर्म बहस के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो गई। अपोजिशन ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया। अपोजिशन ने मणिपुर में जारी इंसानियत सोज मजालिम और फसादात पर बतौर एहतजाज वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, लेकिन जुमेरात को तहरीक वोटिंग से कबल ही अपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। वॉकआउट करने वालों में कांग्रेस के मरकजी रहनुमा राहुल गांधी भी शामिल थे। वाज़ेह रहे कि हुकूमत ने अदम एतमाद के वोट को वोटिंग से पहले ही मुस्तरद कर दिया था और अगले साल होने वाले आम इंतखाबात से कबल खबरों की जीनत बनने का एक हुरबा करार दिया था। हिंदू अक्सरियती आबादी के हामिल भारत में कौम परस्ती का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत का कामयाब हुरबा साबित हुआ है। नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी को 543 रुकनी ऐवान ज़ेरी में बड़ी अक्सरियत हासिल है और तवक्को की जा रही है कि वो लगातार 3री बार भी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करके इक्तदार में आएगी। तारीख का अमीर आजादी की अलामत हुसन का आईनादार फिक्रो नजरिए की अक्कास सरफराजी का गवाह यानी हम सब का निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।